लागू किया गया है, यह भी बिल्कुल निराधार है। तत्काल यह है कि मेरे कार्यकाल की अनावश्यक आउटसोर्सिंग की व्यवस्था समाप्त की गई है। सभी को विदित है कि दो संक्रांत के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसी बादशाह एवं विस्तार को रखा गया था। इस प्रथा को समाप्त किया गया और उसके स्थान पर नगर निगम द्वारा अपने संसाधनों से निजी व्यवस्था की गई। जहाँ तक सफाई कार्य हेतु अतिक्रमण कार्य हेतु कार्यालय एवं छात्रों की सुरक्षा हेतु आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानव बल रखने का प्रश्न इस संबंध में मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि नगर निगम में केवल स्वीकृत वर्ष से अधिक मानव बल की आवश्यकता है। इस बात को समय समय पर सभी माननीय पार्षद द्वारा उठाया जा रहा है। नियम पर स्वीकृत वर्गो से अधिक नियुक्ति नहीं की सकती है, इसलिए सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार मानव बल की कमी को आउटसोर्सिंग से पूरा किया गया है। यह कदम नागरिक एवं और पार्षदों के हित में उठाया गया है। निगम के कार्यों को सुचारू रूप से सुचारू एवं शीघ्र गति से निष्पादन हेतु आउटसोर्सिंग द्वारा कुछ एजेंसियों को रखा गया है, जैसे वित्तीय अधिनियम की सीमाओं को दूर करने के लिए आउटसोर्सिंग को लेकर बार चार्टर्ड अकाउंटेंट रखे गए हैं। अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए उसे एजेंसी को रखा गया। इससे स्पष्ट है कि ये कार्य निर्णय नगर हित के स्थायी समिति एवं निगम बोर्ड की स्वीकृति इससे किए गए हैं। उस पर आउटसोर्सिंग लागू करने का आरोप भी शुरू करता है। शहर को सुंदर कक्ष विकसित करने हेतु स्मार्ट सिटी के अंतर्गत भी अनेकों विकास सरकार कराए जा रहे हैं। निगम ने के आय में वृद्धि के लिए मॉल एवं मार्केट कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराने की योजना पर काम चल रहा है। शहर की दीवारों पर दूर मधुबनी पेंटिंग शहर को सुंदर बनाया गया। आरोप निराधार एवं विकास एवं सबके विश्वास के सिद्धांत पर काम करती हूँ। मैं माननीय पार्षदों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं हमेशा उनके विश्वास को खड़ा क्योंकि आप तमाम पार्षदों से मेरा निवेदन है कि मुझे आरोप आरोप करते हुए एवं मुझ पर विश्वास व्यक्त करते हुए मेरे पक्ष में मतदान करने की जय हिंद जय भारत जय